11 नवंबर सोमवार देर रात उत्तराखंड के देहरादून में 6 दोस्तों की कार हादसे में जान जाने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है। हादसा क्यों हुआ, इसके कारण अभी तक नहीं पता चल पाए हैं। सबको हादसे में बचे 7वें लड़के के होश में आने का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ऐसे दावे किए जा रहे थे कि हादसे की सबसे बड़ी वजह कार की तेज रफ्तार थी। लेकिन इसी हादसे से जुड़े सामने आए एक सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में दिख रही कार वही इनोवा कार है जो हादसे का शिकार हुई। इस फुटेज में कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं लग रही है, कार की रफ्तार नॉर्मल है। इसके अलावा वायरल फुटेज में वो ट्रक भी नजर आ रहा है जिससे कार टकराई थी, उसकी रफ्तार भी ज्यादा तेज नजर नहीं आ रही। पुलिस द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना से पहले राजपुर रोड, सहारनपुर चौक, कावली रोड, बल्लीवाला से बल्लूपुर तक पुलिस पॉइंट से इनोवा गाड़ी सामान्य स्पीड में चलती नजर आई। दूसरी ओर किशननगर चौक से ONGC चौक तक कंटेनर भी सामान्य गति से जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके आगे जाकर ONGC चौराहे पर हादसा हुआ जहां का सीसीटीवी कैमरा खराब बताया जा रहा है। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद तेज रफ्तार के कारण हादसे होने की थ्योरी पर थोड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे जाकर कार की रफ्तार तेज हो गई हो। खैर, असली सच्चाई क्या है ये तो दुर्घटना में घायल युवक के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या बल्लूपुर से ONGC चौक के बीच गाड़ी की रफ्तार तेज हुई थी या फिर वजह कुछ और थी। वहीं हादसे के बाद RTO की टेक्निकल टीम ने भी घटनास्थल और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का निरीक्षण किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। आपको बता दें कि सोमवार देर रात को देहरादून शहर में ONGC चौक रोड पर यह हादसा हुआ था। ट्रक से टकराकर इनोवा कार पेड़ से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 6 नौजवान मारे गए थे, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। तब से ही हादसा सुर्खियों में है। हादसे में नई इनोवा कार बिल्कुल खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतकों के परिजनों ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसीलिए FIR दर्ज नहीं हो पाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देहरादून कैंट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर KC भट्ट ने बताया कि केस दर्ज करने से पहले वे परिवार के शिकायतों का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों ने अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराई जिसके आधार पर केस दर्ज किया जा सके। वहीं इस हादसे में जिंदा बचा युवक सिद्धवेश अग्रवाल अभी भी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण वो घटना के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ है और जांचकर्ताओं से बात करने में उसे समय लग सकता है, इसीलिए पुलिस को इस केस को सुलझाने में भी और वक्त लगेगा। वहीं इस हादसे का शिकार हुए 7 लोग 20 से 24 साल की उम्र के बताए जाते हैं, जो एक महोत्सव से पार्टी करने के बाद अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, तभी वो हादसे का शिकार हुए जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। जिस कार से दुर्घटना हुई वो टोयोटा कंपनी की इनोवा ZX हाइब्रिड मॉडल बताई जाती है और ये कार धनतेरस के दिन यानी 30 अक्टूबर को ही अतुल अग्रवाल ने खरीदी थी। कार देहरादून RTO कार्यालय में पंजीकृत हो गई थी, लेकिन कार स्वामी ने अब तक इसकी नंबर प्लेट नहीं लगवाई थी। फिलहाल पुलिस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश में है।